हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों आप सभी। मैं योगेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी जिम क्लासेस पे। दोस्तों आज हम करंट अफेयर्स की सेकंड वीडियो करेंगे और इसके अंदर आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो कवर कराया जाएगा और शायद ये करंट अफेयर्स आपके लिए नया हो, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो जो सबसे पहले है वह हरियाणा लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड चेयरमैन सोमबीर सांगवान। हरियाणा लाइफ स्टॉक पशुधन डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो सोमबीर सांगवान को बनाया गया है। सोमबीर सांगवान इंडिपेंडेंट कैंडिडेट निर्दलीय उम्मीदवार हैं चरखी दादरी से। तो जब सरकार बनी ये तो उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया और अब ये सरकार के अंदर सहभागी हैं। तो जो सरकार है बीजेपी की उन्होंने अब इनको लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन बनाया है सोमबीर सांगवान को। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है हरियाणा स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन चेयरमैन नयनपाल रावत। हरियाणा राज्य वेयर हाउस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं वो नयनपाल रावत को बनाया गया है। नयनपाल रावत इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं प्रथला से। ये भी एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं प्रथला से, लेकिन अब सरकार में सहभागी हैं, बीजेपी सरकार के अंदर ये पूरे सहभागी हैं, क्योंकि इन्होंने बीजेपी की सरकार के साथ गठबंधन कोएलिशन कर लिया था रिजल्ट आने के बाद। तो अब सरकार ने इन्हें हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन का चेयरमैन बना दिया है। इसके बाद अगला है हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन चेयरमैन रणधीर सिंह गोलन। हरियाणा पर्यटन निगम के अध्यक्ष रणधीर सिंह गोलन को बनाया गया है। रणधीर सिंह गोलन भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे पुंडरी से। तो सरकार के अंदर ये भी सहभागी हैं, इन्होंने भी गठबंधन बना लिया है बीजेपी के साथ और अब ये सरकार में सहभागी हैं, तो इन्हें हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन चेयरमैन बनाया गया है रणधीर सिंह गोलन को। इसके बाद है हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट चेयरमैन धर्मपाल गोंडर। हरियाणा वन विकास अध्यक्ष धर्मपाल गोंडर हैं और ये भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे नीलोखेड़ी से। ये भी एक निर्दलीय उम्मीदवार थे नीलोखेड़ी से और ये भी अब सरकार में सहभागी हैं, इन्होंने भी बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई है और धर्मपाल गोंडर को हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट चेयरमैन बनाया गया है। दोस्तों जितने भी चारों निर्दलीय जो कैंडिडेट थे वो सब बीजेपी के साथ मिल गए थे और इन चारों को सरकार ने अब एक अच्छे पद दिए हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये चारों के चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो दोस्तों इनको आप फिर से एक बार रिवाइज कर लेना। इसके बाद जो अगला है वो गुरुग्राम सिटी बस सर्विस। गुरुग्राम की जो सिटी बस सर्विस है उसका नाम है गुरुगमन के नाम से गुरुग्राम सिटी बस सर्विस 2 सितंबर 2018 को श्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी शुरुआत की थी। जो गुरुग्राम बस सर्विस है ये 154 बसेज हैं इसके अंदर और ये 18 रूटों पर कारगर है, अभी रनिंग है। और ये कौन चला रहा है? गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड GMCBL के द्वारा ये चलाई जा रही है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये 2018 में स्टार्ट की थी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है उन्होंने पिछले साल 2019 के अंदर बेस्ट सिटी बस सर्विस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और उसके अंदर जो गुरुग्राम की सिटी बस सर्विस है गुरुगमन उसको कमेंडेबल इनिशिएटिव अवार्ड सराहनीय पहल पुरस्कार मिला है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सराहनीय पहल पुरस्कार। तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है इसलिए ये मैंने कराया है, इसको कमेंडेबल इनिशिएटिव अवार्ड मिला है गुरुग्राम सिटी बस सर्विस जिसका नाम है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी गुरुग्राम सिटी बस सर्विस किस नाम से है? गुरुगमन नाम से ये बस सर्विस है और 2018 में शुरू की गई थी, मनोहर लाल खट्टर ने इसकी शुरुआत की थी। ये इसके अंदर 154 बसेज हैं, 18 रूटों पर चल रही है और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि इन्हें अवार्ड मिला है कमेंडेबल इनिशिएटिव अवार्ड बेस्ट सिटी बस सर्विस। इसके बाद है अगला जो है वो है जस्टिस डिलीवरी रैंकिंग, न्याय वितरण रैंकिंग। जो न्याय वितरण रैंकिंग है ये टाटा ट्रस्ट ने कोलैबोरेशन के अंदर सेंटर फॉर सर्विस सोशल जस्टिस, कॉमन कोज एंड कॉमनवेल्थ इन सब के साथ कोलैबोरेशन में टाटा ट्रस्ट ने ये रैंकिंग निकाली है। इस रैंकिंग के अंदर चार पैरामीटर्स फॉलो करे गए हैं, पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन एंड लीगल एड, पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता। इन सब पैरामीटर्स मापदंडों के निर्भर है जस्टिस डिलीवरी न्याय वितरण। तो इसके अंदर जो पहली पोजीशन आई है वो महाराष्ट्र की और हरियाणा की 5वीं स्थान है, 5th पोजीशन है वो हरियाणा की आई है जस्टिस डिलीवरी के अंदर। दोस्तों रैंकिंग्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और ये पूछ रहे हैं HSSC के प्रीवियस एग्जाम्स में, तो ये इसलिए मैंने ये डाला है। और दोस्तों रैंकिंग्स की एक अलग से वीडियो भी हम बना देंगे और जो जो रैंकिंग्स में बीच में कराऊँ वो भी आप याद रखना। इसके बाद जो अगला है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट जो CSEA है हमारा, उन्होंने एक कुछ नॉर्म्स मापदंड दिए थे कोल प्लांट, कोल थर्मल प्लांट्स के लिए कि आपको ये नॉर्म्स मापदंड फॉलो करने हैं। और उससे क्या होगा कि जो PM पार्टिकुलेट मैटर्स है उसका एमिशन 35% से घट जाएगा, NOx जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं उनका एमिशन 70% घट जाएगा, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन 85% घट जाएगा थर्मल पावर प्लांट्स में। लेकिन क्या हुआ कि अभी ग्रीन पीस नाम से एक ट्रस्ट है, उन्होंने एक RTI लगाई सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के लिए कि हमें बताओ जो आपने नॉर्म्स लगाए थे उनको ये थर्मल पावर प्लांट फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उस RTI के अंदर ये रिपोर्ट आई है कि NCR के अंदर सिर्फ एक थर्मल पावर प्लांट है जो उस नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है, और वो कौन सा है, महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट। ये कहाँ है, हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में खानपुर के अंदर है ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि NCR में सिर्फ एक थर्मल कोल प्लांट है जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी थर्मल पावर स्टेशन। तो दोस्तों मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो थे वो सभी करंट अफेयर्स कवर कराए हैं इस वाली वीडियो में। इस वाली वीडियो में इतने ही पॉइंट्स रहेंगे आज के लिए, इसमें आपके साथ कुछ पॉइंट्स मुझे कवर करने हैं, एक बार वो मैं फिर से बताता हूँ। हरियाणा लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड चेयरमैन सोमबीर सांगवान है, वो हरियाणा लाइफ स्टॉक पशुधन डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब जो लाइफ स्टॉक है वो क्या है ये एक बार आपको बताना है। लाइफ स्टॉक पशुधन मतलब एक या एक से ज़्यादा पशुओं को कृषि विवरण के अंदर पालकर मांस दूध अंडे और भी लेबर वर्क वो सब करवाना, मतलब पशुओं से जो भी आमदनी या काम निकलवाना पशुधन होता है, जो जो आमदनी पशुओं से हमें होती है वो पशुधन में आती है। इसके अंदर आप पशुपालन, डेयरी, पिग फार्मिंग, जो ऊँट होते हैं उनसे खेत जोतना, ऊँट पालन, ये सभी पशुधन के अंदर आते हैं, लाइफ स्टॉक के अंदर आते हैं। तो जो उसके अभी चेयरमैन है वो सोमवीर सांगवान हैं। दोस्तों जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे वो सभी मैंने कवर कराए, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इनको। हरियाणा स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन चेयरमैन नैनपाल रावत, हरियाणा राज्य वेयर हाउस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष नैनपाल रावत हैं। इसके बाद है हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन चेयरमैन, हरियाणा पर्यटन निगम के अध्यक्ष रणधीर सिंह गोलन हैं। हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट चेयरमैन धर्मपाल गोंडर हैं। गुरुग्राम सिटी बस सर्विस, इसको किस नाम से जाना जाता है, गुरुगमन, 2018 में मनोहर लाल खट्टर जी ने इनकी शुरुआत करी थी। अभी इनको रिसेंटली कौन सा अवार्ड मिला है, कमेंडेबल इनिशिएटिव अवार्ड, सराहनीय पहल पुरस्कार। इसके बाद है जस्टिस डिलीवरी, जस्टिस डिलीवरी के अंदर हरियाणा की 5th पोजीशन है, पहली पोजीशन महाराष्ट्र की है। किसने दी थी ये, टाटा ट्रस्ट विद कोलैबोरेशन विद सेंटर फॉर साइंस जस्टिस सेंटर फॉर सोशल जस्टिस कॉमन कोज एंड कॉमन वेल्थ। इसके बाद जो लास्ट है वो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ओनली 1 of 11 कोल प्लांट सेट टू मीट एमिशन डेडलाइन, और वो कौन सा थर्मल कोल प्लांट है, महात्मा गांधी थर्मल पावर स्टेशन। ये मैंने आपको पूरे ढंग से समझाए हैं दोस्तों, इस वीडियो को एक बार आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपको ये सब अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको और ही बहुत ही अच्छा और बढ़िया कंटेंट मिलेगा। और अभी जो हरियाणा की स्टैटिक की है उसकी रेगुलर वीडियो आने लग जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों इस चैनल को शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के अंदर, और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बाय, आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, बाय बाय दोस्तों।